हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को बताया है, बिहार बीएड और यूपी बीएड दोनों ही बीएड प्रवेश परीक्षा इसी माह जून माह में होने वाला है। और सबसे पहले यूपी बीएड का होने जा रहा है परीक्षा, जो कि 9 जून को है। आज 4 जून है, 5 दिन आपके परीक्षा में शेष बचा हुआ है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ही अभ्यर्थियों के लिए। अगर आप बिहार के हैं तो भी आप ध्यान से देख लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप एक छोटी सी गलती करते हो एग्ज़ाम सेंटर पर, तो आप एग्ज़ाम सेंटर से बाहर हो सकते हो, परीक्षा देने से वंचित हो सकते हो। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गलती से कुछ दूसरी चीज़ें लेकर चले जाते हैं, अनजान में लेकर चले जाते हैं, और वो गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं, और इसके चक्कर में उनको सेंटर से भी बाहर निकाल दिया जाता है, उनकी परीक्षा भी रद्द कर दी जाती है। और बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो जरूरी डॉक्यूमेंट भूल जाते हैं लेकर जाना, जिसके वजह से उनको बहुत सारी समस्या होती है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। इस वीडियो में बताने वाला हूं कौन सी चीज़ें आपको एग्जाम सेंटर पर लेकर जाना है और कौन सी चीज़ें आपको एग्जाम सेंटर पर नहीं लेकर जाना है, किन किन बातों को आपका ध्यान देना है, और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और इसमें यहां पर आज बड़ी खबर भी निकल के आई है कि कुछ ऐसे छात्र हैं जिनको एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी। ऐसे कौन से छात्र हैं, अगर कोई गलती हो रही है तो आप उसको सुधार लीजिए, ताकि आपको एग्जाम सेंटर पे कोई समस्या ना हो। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, 5 से 7 मिनट की वीडियो होने वाली है। अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एक लास्ट चांस आपके पास है। जितने भी दिन आपके पास बचे हुए हैं, चाहे यूपी की बात करूं चाहे बिहार की बात करूं, अभी तो यूपी आगे है आपके सामने है, 9 जून को आपकी परीक्षा है और 5 दिन आपके पास शेष बचे हों। अगर अभी भी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा तो लेकिन आपके अंदर दिमाग में सब कुछ होच पोच हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ याद है कि कुछ याद नहीं है मुझे, ठीक है, और आप अभी भी डर रहे हैं कि मेरा रिविज़न नहीं हो पाया है या मैं अच्छे तैयार नहीं हो पाया हूँ परीक्षा के लिए, तो आप लोग लास्ट डेज रिविज़न नोट्स आप लोग जरूर परचेज कर सकते हैं। इस नोट से आप मात्र 5 दिनों में अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी सेलेक्टेड चीज़ें पढ़कर जा सकते हैं, जिससे उनका इतना अंक तो आ ही जाएगा कि उनको बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस नोट्स को जरूर परचेज कर लो। इसमें सब कुछ टॉपिक वाइज बहुत शॉर्ट फॉर्म में दिया गया, जो कि एकदम चुने हुए क्वेश्चन जो एग्जाम में फंसेंगे वो सारे यहाँ पर इस नोट्स में डाले गए हैं। कीमत भी बहुत कम, मात्र 175 रुपये रखा गया है। तो भैया, अगर आप साल नहीं बर्बाद करना चाहते हो, अगर आप बेस्ट कॉलेज अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो लास्ट 5 डेज आपके पास है। 175 रुपये के लिए बिल्कुल ना सोचे। अगर आपके 10 अंक भी इस नोट से आ गए ना, तो आपको बहुत टॉप का कॉलेज मिल जाएगा दोस्तों। तो आप लोग भैया इस नोट्स को जरूर परचेज कर लो। इस नोट्स को लेने के लिए इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे यूपी बीएड या बिहार बीएड का नोट चाहिए, कैसे हमें मिलेगा और कैसे हम आपको पेमेंट करेंगे, तो सारी जानकारी इस नंबर पर व्हाट्सएप पर दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं खबर में आगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड पर आपको क्या क्या करके जाना है। तो देखिए भैया, आपको एडमिट कार्ड का 2 फोटोकॉपी निकलवाना है, ठीक है, और आपको एक फोटोकॉपी पे यहां पर देखेंगे आपके जस्ट फोटो के साइड में एक फ़ोटो चिपकाने का ऑप्शन है, तो उसमें एक ओरिजिनल फ़ोटो आपको चिपकाना है और यहाँ पर बगल में ही आपको साइन करना है। लेकिन साइन घर से करके नहीं जाना है। लिखा है कैंडिडेट शुड साइन हियर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। जब एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा तब वहाँ पर आप खुद एग्जामिनर के सामने आप इसको साइन करेंगे, लेकिन फोटो आप घर से चिपका कर लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक फोटो आप वही चिपकाएंगे जो फोटो यहाँ पर लगाया था आपने फॉर्म में। यहाँ पर नीचे इंस्ट्रक्शन में दिया गया है, महत्वपूर्ण निर्देश में, कि अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में अपने प्रवेश पत्र की डाउनलोड की हुई प्रति फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक आईडी कार्ड आपको लेकर जाना है, ओरिजिनल साथ में लेकर जाना है और फोटोकॉपी भी ले जाना है, तथा अपनी 2 अतिरिक्त फोटो लाना है अनिवार्य, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा फोटो भी लेकर जाना है और एक फोटो आपको अपने एडमिट कार्ड पर चिपका लेना है। या देखिए, अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर कि एक फोटो लगी हुई हस्ताक्षर से प्रति कक्ष निरीक्षक की जमा की जाएगी। तो एक आपका जो फोटोकॉपी होगा एडमिट कार्ड का, उस पर आप अपना फोटो चिपका लेना और वहाँ पर एग्जामिनेशन के टाइम पर आप नीचे दस्तखत करके आप एक फोटोकॉपी एक आप जमा कर देंगे, वहाँ पर एग्जामिनर ले लेगा, और 2 फोटो आपको एक्स्ट्रा लेकर जाना है पासपोर्ट साइज। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपकी फ़ोटो है वो वही फ़ोटो हो जो आपका, जिसमें अभ्यर्थी वही फोटो लगाए जो उसने ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड किया है। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल देखिए, इन्होंने ये फोटो अपलोड किया है, तो इसी का ओरिजिनल फोटो यहाँ पर चिपकाना है और 2 फोटो लेकर जाना है। कोशिश यही करिएगा कि वही फोटो हो। इन केस अगर आपके पास ये फोटो नहीं है, एक ही फोटो था जो आपने लगा दिया था, आपके पास नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अदर फोटो लेकर जा सकते हो। बस थोड़ा सा मिलान अच्छा हो फोटो में। ऐसा नहीं है आपने बहुत पुराना फोटो वहाँ पर लगाया था, आप नया फोटो लेकर जा रहे हो, ऐसा ना करें वरना दिक्कत होगा। क्योंकि यहाँ पर आपको खबर में भी निकल के यही चीज़ आया है कि अगर फोटो का मिलान नहीं हुआ, फोटो का नहीं हुआ मिलान, तो परीक्षा से होंगे वंचित। देख सकते हैं, बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश को लेकर कड़ी सख्ती रहेगी। केंद्र में प्रवेश के दौरान परीक्षार्थियों की कड़ी चेकिंग की जाएगी, साथ ही प्रवेश पत्र पर लगी फोटो का आवेदन में लगाई हुई फोटो से मिलान न हुआ तो परीक्षा
परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसका ध्यान रखना है कि फोटो मिलान हो, और हो सके तो वही फोटो लगाएं जो आपने फॉर्म भरते समय अपलोड किया है फोटो, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या यहाँ पर लेकर जाना है। तो परीक्षा हेतु तो एक तो आपको हो गया दो फोटो कॉपी आपको लेकर जाना है एडमिट कार्ड का, एक आपको आईडी प्रूफ लेकर जाना है ओरिजिनल, और दो फोटो आपको पासपोर्ट साइज एक्स्ट्रा लेकर जाना है। इसके साथ साथ देख सकते हैं आप लोग कि हाँ यहाँ पर परीक्षा हेतु OMR उत्तर पत्रक एवं प्रश्न पुस्तिका में समस्त विवरण उत्तर केवल काले बॉल पॉइंट पेन से ही भरें, नीला न ले जाएं, केवल काला वही बॉल पॉइंट पेन लेकर जाएं। OMR उत्तर पर फ्लूइड अथवा इरेजर का प्रयोग वर्जित है, कुछ भी ना करें, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यूपी बियॉन्ड में बात करें तो नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आप 3 प्रश्न गलत करते हो तो एक सही प्रश्न का आपका अंक काट लिया जाएगा, ठीक है। इस चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको कैलकुलेटर, घड़ी, ठीक है, ईयरबड्स, ठीक है, ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा कि जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा ऑर्नामेंट्स ना पहन के जाएं, यानी कि बहुत सारी मैरिड जो होती हैं वो बहुत सारे ज्वेलरी वगैरह पहन के जाती हैं एग्ज़ाम सेंटर पर, वहाँ पर दिक्कत होगी, एग्ज़ाम सेंटर पर आपका ज्वेलरी निकाल दिया जाएगा, और बहुत सारे गोल्ड वगैरह के पहन के चली जाती हैं तो उसका रिस्क हो जाता है उसका सेफ रखना। तो आप लोग ध्यान यही रखें कि हो सके तो मंगलसूत्र ही पहन के जाएं, और कोशिश यही रहेगी कि आप कुछ भी ना पहन के जाएं, ठीक है, ऑर्नामेंट में, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मुस्लिम महिलाएँ हैं, जो मुस्लिम लड़कियाँ हैं, वो हिजाब लगा के जा सकती हैं, नकाब नहीं पहनेंगी। नकाब अगर पहन नहीं है तो हिजाब को वहाँ पर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ईयरबड्स लगाने के चांसेस बढ़ जाते हैं हिजाब के अंदर, तो हो सकता है वहाँ पर आपका वो चेकिंग हो। तो आप अगर ज़रूरी है तो आप पहन के जा सकती हैं, लेकिन वहाँ पर आपको इन चीज़ों के लिए निषेध नहीं करना पड़ेगा, आपको हिजाब खोल के दिखाना पड़ेगा कान में कुछ लगा है या नहीं लगा है, ठीक है। तो इन चीज़ों का विशेष आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह पहन के जाने से बचें, वरना आपको ही दिक्कत होगी, वो चीज़ वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पर रख के आप हो सकता है वो चोरी हो जाए, वो गारंटी नहीं लेंगे फिर एग्जाम सेंटर वाले, ठीक है। तो बस आपको लेकर के जाना है, 2-3 आप बाल पॉइंट पेन ले लेना ब्लैक कलर का, इसके साथ साथ 2 अपना पासपोर्ट साइज फोटो, 2 एडमिट कार्ड, एक पर अपना फोटो चिपका लेना है, साइन नहीं करना है, एक पर नहीं चिपकाना है, और एक आईडी प्रूफ लेकर जाना है, आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपका वोटर आईडी, कुछ भी इनमें से एक ओरिजिनल लेकर जाना है, इतनी चीज़ों को लेकर जाना है, और एक्स्ट्रा कुछ भी आपको लेकर नहीं जाना है वहाँ पर, ठीक है। पानी का बॉटल वगैरह लेकर जा सकते हैं, बहुत सारे सेंटर पर पानी का व्यवस्था भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, बट आप लेकर जाना चाहते हो तो आप लेकर जा सकते हो। फोटो का आपको विशेष ध्यान रखना है कि फोटो लगभग वही होनी चाहिए, और नहीं है तो आप इन केस कोई रिसेंट की फोटो लेके जाएं जो मिलान करे आपके अपलोड फोटो से, ठीक है। इसके साथ साथ भैया तैयारी में कोई कमी ना छोड़ें, कसर ना छोड़ें, जितना हो सके आप पढ़ें, जितना इंपॉर्टेंट हो सके पढ़ें। नोट्स जो रिकमेंड कर रहा हूं 175 रुपये का है, कोई 1775 का नहीं है, मात्र 175 रुपये का है, तो नोट्स को जरूर परचेज कर लो। नोट्स के लिए इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे बीएड एंट्रेंस यानी यूपी बीएड या बिहार बीएड का नोट्स चाहिए, कैसे हमें मिलेगा और कैसे हम आपको पेमेंट करेंगे, तो सारी जानकारी इस नंबर के व्हाट्सएप पर दी जाएगी। तो मैसेज करके इस नोट को जरूर परचेज कर लें। कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको जल्द से जल्द आपको अपडेट करूंगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, तैयारी करते रहिए।